आप ऐसा मानिए कि सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ फाइव लीनियर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ फाइव लीनियर इक्वेशन, पांच लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं और उसके सॉल्यूशन सेट के बारे में बात करें। इन सिक्स अननोन,
solutions in six unknowns are such that all solutions are made by कार्डिनलिटी ऑफ मॉड वाला साइन बनाया कार्डिनलिटी मानना
कार्डिनलिटी ऑफ नल स्पेस ऑफ ए इंटरसेक्शन रो स्पेस ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल थ्री कार्डिनलिटी होगी वो तीन या तीन से ज्यादा हो सकती है। छठा कार्डिनलिटी ऑफ नल स्पेस ऑफ ए इंटरसेक्शन रो स्पेस ऑफ ए इज लेस देन थ्री फर्स्ट
आपको बोलेगा कि लेस देन थ्री कितना, लेस देन थ्री में जीरो भी आता है, एक भी आता है, दो भी आता है, जीरो मतलब इनके इंटरसेक्शन पाई होगा, तब तो कार्डिनलिटी एक होगी। हाँ हाँ वही हम पूछना चाह रहे हैं कि कार्डिनलिटी कितनी रखेंगे, तीन से कम, जीरो भी हो सकती है, एक भी, दो भी, वन मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग ये जो तीन है इसको वन होना चाहिए, नहीं नहीं सॉरी ये इक्वल टू पे वन होना चाहिए ऐसा, ठीक। बाकी लोग सोचें अभी डिस्क्रिप्टिव वाला लगाया जाएगा, डिस्क्रिप्टिव तो बात है बिल्कुल वैसा है, ये लगा देते तो वो तो निकल गए। हाँ और यहाँ इधर की किस्से में हाल क्या चल रहा है,
क्या ये मैट्रिक्स स्क्वायर है? R6 to R5 छोड़ता है। अच्छा, पहले इस मैट्रिक्स का पता कर लेते हैं, मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने की है। ये बताओ, हर वेरिएबल एक कॉलम बनाता है, हर वेरिएबल एक कॉलम, कुल कितने वेरिएबल हैं? 6 वेरिएबल हैं, तो 6 कॉलम निकल कर गए, कॉलम की संख्या कितनी? 6। इक्वेशंस जो होते हैं वो रो की संख्या होती है, 5 क्रॉस 6, मतलब डोमेन मेरा कितना है? R6। और डोमेन कितना है? 5 का। पहली चीज पे ये लिख दिया था, डोमेन कौन, कोडोमेन कौन, तय हो गया। अब आउटिंग पास इन्होंने कहा ax is equal to b is consistent, ये सिस्टम कंसिस्टेंट होगा फॉर ऑल वेक्टर b बिलोंग टू द R6। b कहां से आता है, डोमेन या कोडोमेन? कोडोमेन। अब कोडोमेन में जिस वीक पे कंसिस्टेंट होगा वो रेंज का हिस्सा लगेगा, यही ना। तो आज की तारीख में कोडोमेन कौन है? R5। और ये लिखे कितना है? R6। इसलिए पहला तो सीधे सीधे आगे पढ़ने से पहले अब हम न्यूमेरिकल की चर्चा कर लेते हैं, वापस पढ़ो। न्यूमेरिकल कह रहा है अ लीनियर सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन विद 5 इक्वेशन इन 6 अननोन आर सच दैट, आर सच दैट होमोजेनियस है। चलो होमोजेनियस बना दो, ax is equal to null, इसका सॉल्यूशन सेट मतलब कलेक्शन ऑफ x सच दैट, ये ऐसा है कि जितने भी सॉल्यूशन आ रहे हैं, सॉल्यूशंस आर मेड बाय वन सॉल्यूशन, वो सारे के सारे सॉल्यूशन किसी एक से ही बनाए जा रहे हैं जितने भी आ रहे हैं। तो जब सब के सब एक से ही बनाए जा रहे हैं, इसका मतलब तय है कि आप पास कुल कितने सॉल्यूशन आए, इनफाइनाइट, जिसमें से एक कौन हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, और बाकी के सारे कैसे हो गए, डिपेंडेंट। एक इंडिपेंडेंट का मतलब इसका सॉल्यूशन सेट नल स्पेस कहलाता है, मतलब नल स्पेस पूरा पूरा केवल एक वेक्टर से बनाया जा रहा है, और नल स्पेस केवल एक वेक्टर से बनाया जा रहा है, तो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस कितना हो गया, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू कितना, और हमको पता है यही क्या होती है, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन पाइवट कॉलम, नॉन पाइवट कॉलम, मतलब ये तय हो गया कि मेरी जो मैट्रिक्स है 5x6 की मैट्रिक्स, उसमें एक कॉलम कैसा होगा, नॉन पाइवट, और बाकी के 5 कैसा होगा, पाइवट कॉलम। अच्छा, 5 कॉलम पाइवट, मतलब 5 की 5 रो भी कैसी हो गई, पाइवट, 5 रो थी, 5 रो पाइवट हो गई, तो क्या कभी पाइवट ऑगमेंटेड में राइट साइड में शिफ्ट होगा, अब तो पॉसिबल नहीं, इसका मतलब ऑलवेज कंसिस्टेंट बना रहेगा। ax is equal to b always has infinitely many solution, free variable की एंट्री है, always consistent, इसका मतलब दूसरा सबका सही होगा। अब वापस आते हैं इन पर, null space of a is geometrically a plane, सीधे सीधे गलत, क्योंकि null space केवल एक वेक्टर से बनाया जाता है, और एक वेक्टर का स्पेन प्लेन नहीं बल्कि क्या होगा, लाइन होगा, इसलिए ये गलत, गलती मिली सर। नो नॉन होमोजीनियस का सॉल्यूशन सेट क्या बनाता है, नॉन होमोजीनियस का सॉल्यूशन सेट क्या बनाएगा, कोई स्पेस नहीं बनाएगा। हम एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिख रहे हैं, ax is equal to b, ठीक, इसका हम करें, इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आते हैं, ये भी गारंटी दे रहे हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, उन सारे सॉल्यूशन को इकट्ठा कर लो, वो सेट क्या बनाएगा, कोई सब स्पेस बनाएगा, रीजन जीरो, जीरो वेक्टर, हां सबसे पहले इनकार आएगा जीरो वेक्टर का, जीरो वेक्टर कभी भी किसी नॉन होमोजेनियस का सॉल्यूशन नहीं बन सकता, और वेक्टर स्पेस या सबस्पेस बनाने के लिए इनका होना कंपलसरी है, यही नहीं होंगे तो बाकी की बात करना बेमानी है, इसलिए ये कोई सॉल्यूशन सेट नहीं बनाता। अच्छा, ज्योमेट्रिकली प्लेन कह दिया इसलिए गलत है, ये ज्योमेट्रिकली एक लाइन होगी। आगे आते हैं इन पर, नल स्पेस ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉलम स्पेस ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 5 एज नल स्पेस एंड कॉलम स्पेस बोथ आर सबस्पेसेस, ठीक है, ये दोनों सबस्पेसेस हैं, हम मान रहे हैं, इनकार नहीं है, लेकिन ये तो देखो ना दोनों किस दुनिया से आ रहे हैं, नल स्पेस आता है डोमेन से, डोमेन कौन है मेरा, R6 है, और कॉलम स्पेस किससे आता है, कोडोमेन से, तो ये उधर कौन है, R5 है, एक दुनिया R5 की, एक दुनिया R6 की, दोनों में जीरो वेक्टर आएगा,
लेकिन दिक्कत ये है R5 का जीरो वेक्टर 5 एंट्री का होगा और R6 का जीरो वेक्टर 6 एंट्री है, दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं आना, मतलब ये इंटरसेक्शन कितना होगा, वास्तविकता में ये 5 होगा, इसलिए ये बात और इसके सब लोग सही निकाल पाएंगे। ये तरफ से सही है, क्लास सोच के काटे थे वही जो लिख दिए थे कॉलम जो सब स्पेस लिख दिए थे हम लिखे थे कैलकुलस का नहीं लेकिन अब इतनी बड़ी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बहुत आगे आ गए नहीं नहीं वहाँ पे बोल काफ़ी नहीं निकाल दिए हम मदद किए थे अच्छा इन पर आप कार्डिनलिटी नल स्पेस और रो स्पेस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं दो परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे काटती है और दोनों के बीच में हम लोग थ्योरी में लिख चुके हैं सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन कॉमन आएगा इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं आएगा इसलिए ये बात सिर्फ एक वेक्टर कॉमन आएगा मतलब कार्डिनलिटी एक तो हो सकती है ना एक से कम ना एक से ज्यादा ये कौन कह रहे लेस देन 3 लेस देन 3 एक 3 से कम है हां ये सही है पॉडिक कंडीशन मतलब हां पॉडिक कंडीशन मतलब किसी ऑप्शन में टेबल इसमें इक्वालिटी होती है ये ऐसा नहीं किसी दूसरे ऑप्शन में इक्वल कर सकते हां इक्वल टू 1 मतलब हां इक्वल टू 1 लिखते हैं तो एकदम नजदीक का टिक मारते हैं तो इसको छोड़ देते हैं इसको फिर टिक का मारते हैं अच्छा इन पर आओ ये तीन के तीनों एक साथ रीजन 5 की 5 रो पाइवट 5 के 5 कॉलम पाइवट यानी डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए बराबर डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए बराबर डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज सब कितना 5 इसीलिए वो तीनों से ठीक मार और जहां कहो वहां एक्सप्लेनेशन इसका लिखा है अगर ना लिखना चाहते हो आलसी बन रहे हो तब कोई बात नहीं तब वहीं पर लिख देना लेक्चर नंबर कौन सा चले गए आज सातवां है नहीं कल छठा अपलोड किए थे ना कल छठा अपलोड किए थे या आठवां होगा अभी सातवां नहीं अपलोड किए कल जो अपलोड होगा वो परसों का हाँ आज आठवां उसी पे लिख देना लेक्चर नंबर 8 उसी पे लिखना याद रहेगा फिर एक्सप्लेनेशन याद रखना वैसे मेरे ख्याल से ये याद रहना चाहिए लेकिन फिर भी भूल जाऊंगा आप इस लेक्चर वाले का उसका सॉल्यूशन दें आप सॉल्यूशन दें उसका सभी लिखा है 19वां चेक करो क्या लैंग्वेज आएगी कि हम लिखाएं लैंग्वेज यही डिमांड की गई थी कि क्या ax बराबर b ऑलवेज कंसिस्टेंट होगा कि नहीं काई नहीं स्टेंट होगा कंसिस्टेंट होगा वहां जो b दिया है वो कोडोमेन का लिया कोडोमेन का लिया तब लेकिन ये बोल दीजिए निकले बिल्कुल इनको पहले दिखा दो ये डूब रहे फिर उसी दिन की तरह डूब रहे हैं मिला समझ आया ना ना को भी शील्ड का सकते हैं इसका डिस्क्रिप्शन नहीं कर उसका लैंग्वेज लिखा दे इसमें चलेगा Thank you.
is equal to null, where capital A is of 5 cross 6 matrix. 5 cross 6 matrix. Also, null space of capital A is equal to दिए गए डेटा के आधार पर वो कह रहे हैं इसका जो सॉल्यूशन आता है जितने भी सॉल्यूशन आते हैं वो केवल एक ही सॉल्यूशन से बनाए जा सकते हैं तो हम ये कह सकते हैं null space of capital A is equal to span of x1 such that जो इस तरीके से है कि A x1 is equal to null. सही है अगर अब कुछ संकेतिक भाषा में समझ सही चलेगा A x1 is equal to null का मतलब x1 is the solution of Ax is equal to null. और एक बात और where जहां पर वेक्टर x1 does not equal to zero vector वो zero vector भी नहीं है otherwise फिर तो solution क्या हो जाता है trivial होता है. This implies that null space पूरा का पूरा एक ही वेक्टर से बनाया जा सकता है. इसका मतलब ये हुआ कि dimension of null space of capital A is equal to 1. This implies that number of non-pivot column चैप्टर से पढ़ रहे हैं ऐसा भी बीच से उठाए हैं अब तक तो
रैंक थ्योरम से कैसे? हमारे अकॉर्डिंग ये कहते हैं रैंक ऑफ कैपिटल ए प्लस डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट रैंक ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू टोटल कॉलम कितने हैं, 6, और ना नल स्पेस की डायमेंशन कितनी, 1, दैट इज इक्वल टू 5। अब आगे ये थ्योरी से हट करके चलो, इससे हट करके चलना है। काम तो हम भी इधर कुछ नहीं, बस खाली उस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखे नहीं, बस खाली क्या बोलो मतलब क्या हाँ बोलो आज तुरंत कंसिस्टेंट पे आ गए, क्लियर तो करो आंटो से, क्लियर तो करो आंटो, ऐसे कैसे कर दोगे कि कान इससे कंसिस्टेंसी आ जाए। एवरी बी फॉर एवरी बी फॉर ऑल वेक्टर बी बिलोंग टू द आर 5, ठीक, देयर एग्जिस्ट प्री इमेज ऑफ वेक्टर बी इन ट्रांसफॉर्मेशन जब B के लिए आप इधर से कोई भी उठा रहे हो, आंटो है, कोई भी उठा रहे हो, हर B के लिए यहाँ पर प्री इमेज है, मतलब हर B के लिए एक X मिलेगा, यानी इस सॉल्यूशन में, इस इक्वेशन में हर B के लिए एक सॉल्यूशन, हर B के लिए एक सॉल्यूशन मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम, ये सिस्टम ऑलवेज कंसिस्टेंट, ऑलवेज कंसिस्टेंस, ये एक और बता दो, एक और बता दो, पहुंच रहे हो, अभी दिमाग चलेगा तुम्हें, तुमने तरीके तो खोजने अपने को। मान लो पढ़ाई रहे हो, मान लो किसी का सर जी बिल्कुल ही नहीं समझ में, बहुत कम था, कोई का सर जी ये भी नहीं समझ में, मैं भी कभी इंटर में पढ़ ही नहीं, अब क्या कहोगे भाई यहाँ से। नहीं तो जैन सर मनुष्यता का संदेह होता है, जिस वक्त तुम लोग बीएससी पढ़ा रहे थे उस वक्त वीडियो बनाया था, सारे बीएससी वाले लेक्चर अपलोड किए, आज फुर्सत रहती बी एस सी वालों से पढ़ लेते अपना जान रहे। कौन जानता था कोरोना आ जाएगा, हाँ ये बात सही, कोरोना चर्ची में बुलाई मेहमान कोडोमेन की तरफ निकाला, तो कोडोमेन कौन, R5, ठीक है,
आर फाइव को, अच्छा आज की तारीख में हमको ये कहना हर बी के लिए कंसिस्टेंट, जिस दिन मांगा जाता है कि ना ए एक्स इज इक्वल टू वेक्टर बी, हर एक बी के लिए कंसिस्टेंट है, उसका मतलब ये हुआ कि आज की तारीख में रेंज इक्वल टू कोडोमेन। अच्छा रेंज और कोडोमेन बराबर है, रेंज तो एक सब स्पेस होता है और रेंज बराबर हो गया है कोडोमेन के, तो इसका मतलब आज की तारीख में हमारे लिए रेंज इज इक्वल टू आर फाइव हो गया कि नहीं। और आर फाइव को बनाने के लिए कुल कई वेक्टर की नीड होती है, पांच एल आई वेक्टर की नीड होती है, यही डिसाइड कर दो, पांच एल आई वेक्टर मिल रहे हैं, मामला खत्म, पांच एल आई वेक्टर मिल रहे हैं, अरे मिल रहे हैं, पांच नॉन पाइवोट की संख्या कितनी, एक, और बाकी के पांच कैसे हो गए, पाइवोट हो गए, बाकी के पांच पाइवोट तो आर फाइव को बनाने के लिए, एक, आर फाइव को बनाने के लिए कितने एल आई वेक्टर, पांच, कई कॉलम पाइवोटेड है, पांच, पांच कॉलम पाइवोट और हर कॉलम आर से रहा है, आर फाइव से आ रहा है, तो इसका मतलब ये पांच लोग तो आर फाइव को पूरा पूरा स्पैन कर रहे हैं, इसीलिए तो स्पैन की थ्योरी मानते तीसरा मैं ऑटो स्पैन की थ्योरी सेम होती है, बस अंतर इतने का होता है, इधर आप बात करते हो किसी ट्रांसफॉर्मेशन की ऑटो नेचर की, और उधर आप बात करते हो कि पांच दिए गए वेक्टर को बेसिस डिक्लेयर करने का, आर फाइव का बेसिस हमको मिल गया कि नहीं मिल गया, और जब आर फाइव का बेसिस मिल गया तो सारा माजरा ही खत्म हो गया। आई बात समझ, ऑटो वाला किस्सा ये भी लिख लेना अपनी मर्जी से, और उधर वो वाला लिख लेना, एक मेरा लिखाया हुआ है, दोनों हिंट दे दिए, मन कहे उतने के हिसाब से पन्ना छोड़ देना, चले आगे और एक कुछ एक और मेथड गरिमा मो मेथड स्पैनिंग ही है, उसके अलावा कुछ नहीं, जहां बिल्कुल दिमाग नहीं खपता। Is it possible? क्या ये संभव है? Is it possible to change some constant? To change some constant on the equations, on the equations right side, on the equations right side, right side, to make the new system inconsistent, to make the new system inconsistent, to make new system inconsistent, explain इसका ऑप्शन नहीं बना रहे हैं, इसका ऐसे सीधे सीधे रख रहे हैं, सोचने की बात है इसमें। ये इन्होंने कहा सपोज वैक्सीन से दिक्कत,
अजूम करते हैं अपन लोग क्या ताला बंद कर दी और क्या तो चाहिए यहाँ से कोई नहीं मैं नहीं रहूँगा कहाँ तुम यहाँ नहीं रहोगे कि वहाँ नहीं वहाँ नहीं रहोगे यहीं आओगे फिर वापस क्या पढ़ रहा है दूर का मतलब हमसे तो हम दिना भर में का हमारे 100 चक्कर है कहाँ दूर है इतना अरे कितना यही दीवानी चौराहा पहुँचो उसके बाद उधर एटीएम के सामने गर्मी है ये भयंकर है यहाँ नदी किनारा है जामुन खाने की देख समय बाकी और नहीं तो क्या दो दो पेड़ ना दो है ना एकदम से दो पेड़ है एक ही है एक गिर गया तो सर जब बारिश हुई थी अपने आप बारिश बंद हो गई उसके बाद पूरी मोटी सी अपने आप गिर तो जामुन की डाल अरब छत पे खड़े थी ना वो बारिश में तो वैसे ही बड़ी मीठी होती है खाया कि नहीं खाया उसको ऑफ है ऑफ नहीं चल रहा है प्लस जो बराबर है उसी प्लस करो फिर बराबर इसका मतलब कॉलम कितने आठ मैट्रिक्स आ गई 6×8 पल्ले पड़ा 6×8 की मैट्रिक्स में हैज अ सॉल्यूशन और सिस्टम जो हमारा है ये ए एक्स इज इक्वल टू वेक्टर बी जहां पर वेक्टर बी डज नॉट इक्वल टू 0 नॉन होमोजेनियस सिस्टम करें ये एक सॉल्यूशन लगता है इज इट पॉसिबल क्या ये संभव है टू चेंज सम कांस्टेंट ऑन द इक्वेशंस राइट साइड इक्वेशंस के राइट साइड पर बैठे हुए इस कांस्टेंट को चेंज करके अपने दिए गए सिस्टम को इनकंसिस्टेंस बना दिया जाए क्या ये बात पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल वापस सपोज अ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ 6 लीनियर इक्वेशन जितने इक्वेशन दिए जाते हैं वो रो की संख्या है इसका मतलब जिस दिन सिस्टम ax बराबर b तैयार होगा कैपिटल a के पास रो की संख्या 6 होगी वेरिएबल कितने हैं 8 अननोन 8 वेरिएबल है हैज अ सॉल्यूशन तो ये सिस्टम बना कैपिटल a बना 6×8 की मैट्रिक्स और ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम कह रहे हैं ये जो आपका नॉन होमोजेनियस सिस्टम है ये सॉल्यूशन रखता है हैज अ सॉल्यूशन इज इट पॉसिबल क्या ये संभव है टू चेंज सम कांस्टेंट ऑन द इक्वेशंस राइट साइड कि इक्वेशन के राइट साइड में बैठे हुए इस कांस्टेंट को चेंज कर दिया जाए और चेंज करके सिस्टम को इनकंसिस्टेंस बना दिया जाए क्या ये पॉसिबल है या नहीं है यस पॉसिबल पॉसिबल है सोच लो अभी टाइम दीजिए बाकी लोग क्या इसको इनकंसिस्टेंट बना सकते हो अरे क्या नहीं बना सकता है 200% इसको इनकंसिस्टेंट बनाया जा सकता है राइट साइड चेंज करना ना सर राइट साइड में बदलना है बदल तो राइट साइड क्या फर्क पड़ता है इधर देखना बट इधर क्लियर नीचे को नॉन होमोजेनियस लेकिन लेफ्ट साइड का मतलब पता है नॉट होमोजेनियस आलू को बोले देखना कैपिटल ए कितने का 6×8 का क्या कुछ पाइवट वगैरह फिक्स किया कुछ नहीं बस खाली एक इंफॉर्मेशन दे दिए कि ए एक्स बराबर वेक्टर बी ये कंसिस्टेंट है तो ये तो कंसिस्टेंट है ना इस पर्टिकुलर बी के लिए केवल इसके लिए इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसकी सारी लो पाइवट है या नहीं है हाँ मैट्रिक्स कितने की है 6×8 अधिकतम कितने पाइवट रख सकती है 6 पाइवट हो सकते हैं जिस दिन 6 पाइवट आ गए उस दिन 6 की 6 रो पाइवटेड हो गई और 6 की 6 रो पाइवट बनने का मतलब है अब बी को कुछ भी रख दिया जाए पाइवट राइट साइड में शिफ्ट होने वाला नहीं है तो आज की तारीख में हर बी के लिए कंसिस्टेंस बना रहेगा इनकंसिस्टेंट नहीं होगा लेकिन अभी जो हमने लिखा है थोड़ा सा गलत करके क्या हमने इसमें फ्री वेरिएबल के बारे में कोई बात नहीं क्या पाइवट के बारे में कोई बात नहीं नहीं की तो बिल्कुल ये अभी जो डेटा ही अनक्लियर है ये डेटा उस दिन क्लियर होता है जिस दिन आप ये बता देते पाइवट की संख्या टोटल कितनी है अगर कैपिटल ए में गौर करना इफ कैपिटल ए हैज
इसके अंदर ये है 4 पाइवट, लो केवल कितने पाइवट दे दिए, 4, तो कुल कॉलम की संख्या कितनी, 8 है, जिसमें से 4 कैसे हो गए पाइवट। रो की संख्या टोटल कितनी, इसका मतलब टोटल कितनी रो पाइवट हो गई, 4, दो रो छूट गई, अब दो रो छूट गई इसका मतलब पाइवट राइट साइड में शिफ्ट हो सकता है, कोई गलती से होगी और कभी ना कभी तो होगा ही होगा, ये भी तय बात है। तो इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन पर ऐसे पर एक जो इस पर मस्ट बी इनकंसिस्टेंट, हां तब गलत हो जाता क्योंकि बहुत सारे बी मिलते हैं जिस पर वो कंसिस्टेंट होता है। और 0-0 कर ले, ठीक लेकर अब इसमें कुछ बदल नहीं है, फ्री वेरिएबल पर सीधे लिखो यस इट इज पॉसिबल, कुछ तो लग रहा है कि दूसरा वाला खुद से कर लेना, काहे दो फ्री वेरिएबल दिया, ये बताओ कॉलम की संख्या कितनी, कॉलम की संख्या 8, जिसमें से फ्री वेरिएबल कितने, 2, हां इसमें 2 फ्री वेरिएबल कितने, 2, तो इसका मतलब अब बचे पाइवटेड कितने, 6, ये सब नियम घूम रहे हो, बचे पाइवट कितने, 6, और रो कितनी है, 6 कॉलम पाइवट का मतलब 6 रो पाइवट, 6 रो पाइवट का मतलब पाइवट नेवर शिफ्टेड इन द राइट साइड ऑफ डॉटेड लाइन, वो कभी भी अब शिफ्ट नहीं हो सकता, तो उसमें तो कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं होगा, लेकिन मेरे किस्से में होगा। हाँ दिखा दे, इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है, सॉल्यूशन में लिखना, लिखना नो इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट हियर, नो इंफॉर्मेशन हियर, नो इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट अबाउट अबाउट नंबर ऑफ पाइवट कॉलम, नंबर ऑफ पाइवट कॉलम्स, ये एक लाइन में इसका जवाब है, हियर नो इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट अबाउट नंबर ऑफ पाइवट कॉलम, यहाँ पाइवट कॉलम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं है, ठीक। सो इफ if number of pivot column, so if number of pivot columns in capital A less than or equal to 5, तो सही है गलत जनरलाइज कर रहे हैं, अगर कैपिटल ए में पाइवट की संख्या 5 या 5 से कम हुई, टोटल रो कितनी, 6 रो टोटल है, अगर हम कह दें number of pivot columns in capital A less than or equal to 6, तो क्या मेरी बात सही होगी, equal to पर गलत हो जाएगी, equal to पर गलत होगी, क्योंकि 6 के 6 pivot रखने के बाद तो ये कभी inconsistent होगा नहीं, तो हम शुरुआत कहां से करें, less than or equal to 5, या तो pivot की संख्या 5 बैठे या तो 5 से कम बैठे, so if number of pivot column in capital A less than or equal to 5, then there must exist, then there exist kar dena, there exist at least one non-pivot row, in capital A, and hence there exist many वेक्टर बी, एंड हेंस देयर एग्जिस्ट मेनी वेक्टर बीस, ऐसे बहुत सारे वेक्टर बी हैं, ऐसा फॉर विच ए एक्स इज इक्वल टू वेक्टर बी बिकम्स इनकंसिस्टेंट ऐसे बहुत सारे वेक्टर भी होंगे जिसके लिए ये सिस्टम कैसा बन जाएगा, इनकंसिस्टेंट, कहीं कंफ्यूज हो तो बोलो, लग रहा है है जरूर है, कहाँ पे बोलो बोलो, काफी जाने कर रही के पास है ना, अटके ना वहाँ नहीं, छोड़ सोचते हाँ, तो कोविशील्ड का सर और कुछ
अच्छा ये बताओ, अब किताब वाला इधर कोविशील्ड ही कर रहे हैं, अब जो किताब वाली बात है टू फ्री वेरिएबल, उस पर सोच सकते हो? किताब के अकॉर्डिंग है कि कैपिटल ए के पास दो फ्री वेरिएबल है, तो ठीक है दो ही फ्री वेरिएबल आप कह रहे हो, टोटल आठ कॉलम में से दो कॉलम छूट गए कैसे, नॉन पाइवट, बचे कितने छह पाइवट, इसका मतलब छह की छह रो कैसे पाइवट, मतलब कोई भी पाइवट अब राइट साइड में शिफ्ट होने वाला नहीं है, ऑलवेज कंसिस्टेंट बना रहेगा, ठीक। ये मेरे हिसाब से गलती में भी सही सलामत में मेरे बन गया है, ठीक। किताब वाला तुम लोग कर लेना, अरे तो जब ऊट पटान उसमें रजिस्ट्रेशन कर पाए तो नहीं सर, मतलब वो अभी खाली उतनी एज पे, ठीक, और रजिस्ट्रेशन करवाए हैं उसमें। सपोज और नॉन होमोजीनियस सिस्टम, सपोज और नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस non-homogeneous system of non-linear equation, system of non-linear equations, suppose a non-homogeneous system of non-linear equations in 10 unknown, in 10 unknowns, intent unknowns, has a solution for all possible constant, for all possible constants on the right side of the equations, full stop. Is it possible to find two non-zero solutions? Find two non-zero solutions of the associated homogeneous system, associated homogeneous system that are not multiples, that are not multiples of each other, suppose a non-homogeneous system of nine linear equation in the 10 unknowns. ये कह रहे हैं सिस्टम है आपका ax is equal to vector b, ठीक, जहाँ पर b does not equal to zero. ये non-homogeneous system है, नौ linear equation है 10 unknown में, इसका मतलब कैपिटल ए का ऑर्डर तो हो गया 9x10 size की मैट्रिक्स है। अब ये कह रहे हैं ये जो सिस्टम
सिस्टम लिखा गया है, ये सिस्टम हैज अ सॉल्यूशन फॉर ऑल पॉसिबल कांस्टेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन के राइट साइड में ये जो वेक्टर बी बैठा है, इस बी की जगह पर आप कुछ भी लगा देंगे, इस बी की जगह कुछ भी लगा देंगे, हर बी के लिए इस सिस्टम के पास सॉल्यूशन हमेशा मौजूद होगा ही होगा। अब आगे पूछना है, इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है टू फाइंड द टू नॉन जीरो सॉल्यूशंस ऑफ द एसोसिएटेड होमोजीनियस सिस्टम। अगर इसी के साथ में इसका एक होमोजीनियस सिस्टम लिख दिया जाए ए एक्स इज इक्वल टू नल, तो कह रहे हैं कि क्या इस ए एक्स इज इक्वल टू नल के लिए आप ऐसा नॉन जीरो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कितने, दो, क्या इसके लिए दो नॉन जीरो सॉल्यूशंस आएंगे, टू नॉन जीरो सॉल्यूशंस ऑफ द एसोसिएटेड होमोजीनियस सिस्टम, और आगे शर्त है दैट आर नॉट मल्टीपल ऑफ ईच अदर, जो दोनों एक दूसरे के मल्टीपल ना हो। डिस्कस करना है इनका, नल स्पेस, हाँ नल स्पेस ऑफ ए निकालना है, नहीं डायमेंशन है, नल स्पेस ऑफ ए नहीं पॉसिबल, पाइवोटेड। सब किस सब रो कैसी होगी, पाइवोटेड, इसका मतलब क्या हुआ,
this implies that there exist only one non-pivot column. Only one non-pivot columns. इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितने non-pivot column हैं? एक, एक से ज़्यादा नहीं. This implies that dimension of null space of capital A is equal to 1. This implies that आज वो solution set. This implies that dimension of null space of A is equal to 1. This implies that solution set of AX is equal to null has only one Li solution. केवल और केवल एक Li सॉल्यूशन होगा और बाकी जितने सॉल्यूशन होंगे वो सब के सब इसके कैसे होंगे? मल्टीपल होंगे. ओनली वन Li सॉल्यूशन. ठीक, और आगे की लाइन यही लिख दो. सो इसलिए एसोसिएटेड होमोजीनियस सिस्टम does not have कितना लिखा है? अच्छा ये लिखा है बोर्ड वाला सब बोर्ड है ना, कहाँ तक पहुँचे बोर्ड लाइन डोज नॉट है. डज नॉट है टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन. डज नॉट है टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस. इसलिए दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन नहीं रखते. अच्छा, दो इंडिपेंडेंट वर्डिंग जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इसी सेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं कि दोनों एक साथ एक सेट में रखे जाए तो एलआई, दोनों सॉल्यूशन एक साथ एक सेट में रखे जाए तब एलआई हो, हम ये सोच के चल रहे हैं. आई बात समझ में? ठीक, थोड़ा ग्रामर मिस्टेक है ये, सही सलामत हमको लिखना चाहिए तो लिखने का कोई मतलब तो है नहीं, जान रही है इसलिए यहाँ पर इसको छोड़ रहे हैं. चलेगा, ये बात समझ में आई? डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए कितनी आ रही है? वन आ रही है. नल स्पेस की डायमेंशन एक होने का मतलब है पूरा का पूरा नल स्पेस केवल और केवल एक ही वेक्टर से स्पैन होगा, और जब एक ही वेक्टर से स्पैन होगा तो इसका मतलब पूरा का पूरा नल स्पेस ऑफ ए सिर्फ और सिर्फ सिंगलटन ऑर्डर का एलआई सेट रख सकता है, इसके अलावा और नहीं रख सकता. मतलब अगर उसका सबसेट काटा जाएगा तो उसके केवल और केवल जो एलआई सबसेट आएंगे वो सिंगलटन सिंगलटन होंगे. दो जैसे आएंगे तुरंत डिपेंडेंट होने शुरू हो जाएंगे, याद रहेगा. बाईसवां, one fixed non-zero solution.
solutions. One fits non-zero solutions. Question mark. Discuss. Is it possible? क्या ये संभव है? That all solutions of homogeneous system of 10 equations in 12 variable. Homogeneous. A x equal to null. ठीक. कुल कितने equations? 10. इसका मतलब रो की संख्या कितनी? 10. वेरिएबल कितने? 12. तो कॉलम की संख्या कितनी? 12. ये सिस्टम लिखा गया. कह रहे क्या इस सिस्टम के लिए ऐसा संभव है? Is it possible that all solutions of the homogeneous system of the 10 linear equation in the 12 variables are ye rakhe multiples of one fixed non zero solutions? Possible multiples of one fixed non zero solution. Bhaiyo to ye bolo question ka samajh mein aaya hai ki nahi aaya? Kya bolo? It is possible to all solutions matlab nahi wo hum bhi padhe hindi mein bolo. मतलब कि जो होमोजीनियस सिस्टम है उसका जो सोल्यूशन आएगा वो एक एलआई वेक्टर के मतलब उसका सोल्यूशन एक ही एलआई वेक्टर के साथ मल्टीपल होगा ऐसा हो ना. हाँ मैं हम समझ गए. तो ये पॉसिबल है. पॉसिबल है. पॉसिबल है मधु. पॉसिबल है. पॉसिबल है पक्का. वापस करो. देखिए अभी अभी थोड़ी देर और लगाओ अभी और आएगा. अच्छा अंग्रेजी पढ़े फिर हिंदी बोलेंगे ना. क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल दैट कि ऐसा कुछ हो जो कुछ होने जा रहा है वो नीचे लिख रहे हैं. क्या होना चाहिए? एक होमोजीनियस सिस्टम जो 10 इक्वेशन और 12 वेरिएबल रखता है आर वो अपने पास रखे हैं आर मल्टीपल्स ऑफ ये ही आर सॉल्यूशंस. जितने भी सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो सारे के सारे सॉल्यूशंस आर मल्टीपल्स वो गुणन में हो किसके साथ? ऑफ वन फिक्स्ड नॉन जीरो सॉल्यूशन. जितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो सब के सब किसी एक ही सॉल्यूशंस के मल्टीपल हो. होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है 10 × 12 का मतलब 10 इक्वेशन है 12 वेरिएबल. कह रहे हैं क्या ऐसा हो सकता है कि इसके जो भी सॉल्यूशंस तैयार हों जैसे इसका पहला सॉल्यूशंस कौन तैयार था? जीरो वेक्टर. इसका अगला सॉल्यूशन कौन तैयार हो? वेक्टर x1. अगला सॉल्यूशन कौन तैयार हो? वेक्टर x2. अगला कौन हो? x3. अगला कौन? x4. ऑन वर्ड चलते चलते सब कुछ हो गया. अब कह रहे हैं क्या ये पॉसिबल है कि जितने सॉल्यूशन आ रहे हैं आर सॉल्यूशन आर दी सॉल्यूशन ये सारे के सारे सॉल्यूशंस जो आ रहे हैं आर मल्टीपल्स ऑफ ये सब के सब मल्टीपल हो किसके? वन फिक्स्ड नॉन जीरो सॉल्यूशन. किसी एक ही नॉन जीरो सॉल्यूशन का मल्टीपल है. यानी ये सारे के सारे जितने आ रहे हैं ये सब के सब केवल और केवल x1 के मल्टीपल है. ये x1 का 2 गुना हो, ये x1 का 3 गुना, ये x1 का 4 गुना, ये 6 गुना, ये 8 गुना, 10 गुना ऐसे. या ये सब के सब केवल और केवल x2 के मल्टीपल है. ये सब के सब केवल और केवल x4 के मल्टीपल है. क्या ये पॉसिबल है? आप बताओ. अब तो समझा दिया. पॉसिबल है इतने पॉसिबल है कि नहीं? तुम्हारे साथ अभी भी क्वेश्चन नहीं समझा है? हाँ जितना अब तक करते आए हैं वही क्वेश्चन है. कुछ अलग नहीं है. मेरे कार्ड में पॉसिबल नहीं है. पॉसिबल तुम्हारे कार्ड में जब तुम लोगों के कार्ड आने के बाद कर दिया. नहीं बहुत दूर आ गए 4.6 पर हेड. अगर पर एक्सर हर एक्सरसाइज के आधार पर जाओ ना तो कितने कितने न्यूमेरिकल. चलो औसत मान लो 25 न्यूमेरिकल मान लो. औसतन 25 मान लो. तो अब तक हम लोग 10 न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं. औसत 25 का रखो. सुनो पहला हम लोगों ने सॉल्व किया 1.9 तक है. 1.9 मतलब 9 चले 25 × 9 करो. नहीं
लिखना 225 225 खरीदे चलो 225 क्वेश्चन ये हो गए, औसत 25 का रखते हैं ठीक है, एक आध में कम कम थे क्योंकि अब हम वो सप्लीमेंट्री नहीं छोड़ रहे ना, सप्लीमेंट्री वाला भी इसमें शामिल है। फिर हम लोग आए मैट्रिक्स अलजेब्रा वाले पे, मैट्रिक्स अलजेब्रा पे रिलेटिव इनपुट आउटपुट मॉडल छोड़ दिया था हम लोगों ने, ये पढ़ा नहीं गया था 2.7 2.9 8 चर पर ठीक 25 गुणे 8 करो 200 दो चैप्टर मिला करके 425 मिनिमम हो गया, दो चैप्टर मिला के डिटरमिनेंट हम लोगों ने चलो ठीक है अभी के लिए छोड़ रखा है। वेक्टर स्पेस आओ, वेक्टर स्पेस में 4.6 चल रहे हैं, चलो 4.5 तक 25 मिनिमम करते हैं, 25 गुणे 5 करो 125 सामने कर दिए ये 200 200 400 100 500 550 पाँच और लगाए ना घड़ी डिटर्जेंट के 555 पर आएंगे हम लोग सीधे से, नहीं बहुत इतना लाने के बाद गलतियां नहीं होनी चाहिए, नहीं बहुत पॉसिबल नहीं पॉसिबल। अब रीज़न बताओ क्यों नहीं ऑर्डर नहीं ध्यान दी ना एक कॉस्ट वाली है, हाँ मैक्सिमम पाइवट कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम पाइवट कितने 10 अभी अभी लाइन पे आए, मैट्रिक्स का ऑर्डर है 10 × 12 का, आप अधिकतम पाइवट खींच के भी ला सकते हो तो कितने ला सकते हो 10 पाइवट, तब पर भी दो नॉन पाइवट छूटेगा, दो नॉन पाइवट छूटने का मतलब है कि नॉन पाइवट कॉलम की संख्या इज द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए, और नल स्पेस ऑफ ए कौन होता है Ax इज इक्वल टू नल का सॉल्यूशन सेट होता है, यानी उस सॉल्यूशन सेट को वो सॉल्यूशन सेट होमोजीनियस का सॉल्यूशन सेट एक सबस्पेस बनाता है और उस सबस्पेस की डायमेंशन नॉन पाइवट कॉलम की संख्या के बराबर यानी कितनी होती है 2, यानी पक्का है उसमें जितने वेक्टर हैं वो 2 li वेक्टर से मिलकर के बने होंगे, 2 li से मिलकर बने, तो ये कभी पॉसिबल नहीं कि सारे के सारे वेक्टर केवल एक का मल्टीपल हो, वो पहले का भी मल्टीपल आएगा दूसरे का भी आएगा दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में भी आएगा, तो इसका मतलब ये कही गई बात गलत है, अभी नो इनकार करो इस बात, अभी समझ में आई बात है, इसीलिए तो हम करेंगे 555 तो ऑर्डर आएगा, 555 पर मेरी जो गलती हुई थी सर वो आल सॉल्यूशन ऊपर वाली लाइन नहीं जोड़ा था, सिर्फ यहीं से नीचे से जोड़ा था, आपने कर लिया कि आधा आधा इधर उधर छोड़ो तो क्या कर सकते हैं, मैं जिस दिन खत्म हो ना 1000 के ऊपर मेडिकल लग जाएंगे तो यार 555 के आसपास अभी साढ़े वो 550 पर इसी चल रहे हैं, सीट में तो गलती है, अरे हाँ हाँ बुढ़ाई गाँव तक सीखते सीखते कहो कि गलतियाँ हो, सबका लेक्चर अगर डाले होते ना जितना अब तक पढ़ाए हैं सबका लेक्चर डाले होते ना तो दूसरा कोई आदमी प्लेलिस्ट को झांक करके भाग लेता कहता हटो यार इतना कौन पढ़ेगा, सचिन सर लीनियर के नाम पर अगर इतना लेक्चर पढ़ा होता भागने का कोई प्लेलिस्ट छुएगा नहीं छुए एक लेना, चलो सॉल्यूशन हाँ तुम लोग जो डाउनलोड करते हो ना इन कोचिंग का लेक्चर उसका लेक्चर सबका डाउनलोड कर लेते ना मेरा तो कोई नहीं डाउनलोड करेगा कहेगा हटाओ वाईफाई को भी नहीं करेगा इतना नेट आ जाएगा सब इसका लेक्चर समझ में आ गया हां ना मिलो अच्छा ठीक है तो देखते हैं जब जिस दिन पूरी गैलियन सॉल्व कराएंगे उस दिन कितना डाउनलोड करते हो गैलियन मतलब सामने आप तो पूरा वीडियो लेक्चर रखेंगे उस दिन कितना डाउनलोड करते हो अपलोडिंग लगी है क्या सब रख रहे हो सब रखा है अच्छा ठीक कॉपीराइट क्लेम बनता है ना हमारे ऊपर क्लेम करे डेविड से ले तुम लोगों के ऊपर हम पे हम लोग पांच यूट्यूब पे डाल ही लिख रहा सॉरी हम लोग ये टॉप कर रहे हैं यार छोड़ो चाहे ढूंढ ले जाए कौन सा इतना अच्छा पढ़ाते भी नहीं है इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं कि इसको कॉपीराइट ठोक के जा करके जज भी एक बार कहेगा कौन हो कहां से आ जाते हो वो भी पूछेगा जब सॉल्यूशन में एक नो लिखो नो अच्छा क्या लैंग्वेज बोल दे चलेगा या लिखाएं बोल दीजिए बोल दीजिए बोले लिखना क्लियरली करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्लियरली करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज ऑफ साइज 10 × 12 ठीक दिस इंप्लाइज दैट largest possible dimension this implies that largest possible dimension for the column space of A largest possible dimension for the column space of A
इज इक्वल टू 10, क्योंकि ये लार्जेस्ट होगा तो नल स्पेस कैसा होगा मिनिमम। दिस इंप्लाइज दैट, मतलब दिस इंप्लाइज दैट डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए, दिस इंप्लाइज दैट डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2। मिनिमम कितनी डायमेंशन हो सकती है? 2, 2 से कम नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास li सॉल्यूशन कितने आए ax बराबर नल के, li सॉल्यूशंस 2 आए। देखना, दिस इंप्लाइज दैट नल स्पेस ऑफ a, दैट इज अर्थात सॉल्यूशन सेट ऑफ, सॉल्यूशन सेट ऑफ ax इज इक्वल टू नल, ax इज इक्वल टू नल हैव ओनली 2, हैव ओनली 2 li सॉल्यूशंस, have only two li solutions and all other solutions, and all other solutions are spanned by these two, are spanned by these two, और बाकी जितने हो रहे हैं ना वो सब इन्हीं दो से span किए जाएंगे। That is null space of A is equal to span of vector x1 कॉमा वेक्टर x2। ये सांकेतिक तौर पर माना गया है कि दो सॉल्यूशन x1 x2 हैं और दोनों नॉन जीरो हैं, ये भी याद रखना। स्पैन ऑफ x1 कॉमा x2, ये दिमाग में रखना कि ना तो आज की तारीख में x1 जीरो वेक्टर है और ना तो x2 कैसा है जीरो वेक्टर, दोनों ही जीरो वेक्टर नहीं, क्योंकि एक को जीरो वेक्टर करोगे तब तो फिर बवाल हो जाएगा। बस एक्सप्लेनेशन इतना ही सफिशिएंट है कि आपको जितने भी सॉल्यूशन मिल रहे हैं वो दो लोगों से स्पैन हैं। और यहाँ पर डिमांड किसकी है? All solutions are multiples of one fixed non-zero solution। और जबकि हमको पता है all the solution are multiple of two fixed non-zero solutions। इनके multiple होने वाले हैं। अच्छा, सिर्फ multiple नहीं, इनके linear combination वाले भी उसमें शामिल होंगे। जैसे ये 2x1 plus 3x2, ये भी solution होगा। 3 by 2 x1 plus 9 by 2 x2, ये भी solution होगा। तो ये कहा जाएंगे अगर हम सबको एक ही का मल्टीपल कर देंगे। आई बात समझ में? अगर ऐसी मैट्रिक्स लिखी गई
ठीक, तो अब अपना हम इसको ट्रांसफर, चलो तब पर भी हम एक गलत बात कर रहे हैं, x3 को हम शामिल कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं x3 शामिल है उसका कोफिशिएंट सब में जीरो है, कह दे रहे हैं तो ये कितना होगा, ये बनेगा 1 2 0 बोलना, तो एक के दो 0 0 0 ये ऊपर, ये है x1, ये है x2 और ये है x3, x3 कैसा हो गया, फ्री हो गया। अब बोलना सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, सॉल्यूशन सेट x इज इक्वल x1 x2 x3 होमोजीनियस का सॉल्यूशन सेट तैयार कर रहे हैं, दिस इज इक्वल x1 बोलो माइनस 2 x2 माइनस 2 x2 और यहां लिखा x2 की जगह पर 1 1 हो गया, यहां x3 की जगह पर कितना शुरुआत से ही जीरो लगा दिया, तो उस दिन दिक्कत यह होगी ना कि शुरुआत से पूरे कॉलम को जीरो लगाने का मतलब आपने x3 को वास्तविकता में लिया ही नहीं था, इस x3 को लिया ही नहीं था अगर इसको शुरू से जीरो लगा दिया। अच्छा अब गौर करना, अगर ये शुरू से जीरो नहीं है, अगर ये शुरू से जीरो नहीं है, कुछ बचा हुआ है, जैसे ऐसा सिस्टम दिखा रहा है, कौन सा, अरे x3 वहां शुरू में कंप्लीटली जीरो मारा गया, जब x3 को शुरू में कम्प्लीटली जीरो कर दे रहे हो, एक तरफ से सारा कोफिशिएंट जीरो कर रहे हो, तो x3 मतलब लिया ही नहीं गया, x3 का कंट्रीब्यूशन ही जीरो आया सारे इक्वेशंस को बनाने में, इसलिए ये कुछ ऐसा होना चाहिए, जैसे मान लो किसी ने कहा x1 प्लस 2x2 प्लस इज इक्वल टू जीरो, होमोजीनियस बना रहे हैं, यहाँ किसी ने लिख दिया 3x2 plus 4x3 is equal to 0. ये याद रखना हो, अगर तुमको x3 को किसी सिस्टम में शामिल करना है, अगर x3 को किसी सिस्टम में शामिल करना है, तो उस सिस्टम में जितने भी इक्वेशन मौजूद हैं उनमें से किसी एक के पास x3 का कोफिशिएंट होना चाहिए, तभी वो शामिल होगा। जैसे अगर मैं x3 का कोफिशिएंट फिर से 0 लगा देते, 0x3, तो अब गौर करो, हकीकत तो ये है कि तुम्हारा ये दिया गया सिस्टम दो इक्वेशन और दो वेरिएबल में है, क्योंकि x3 का तो कंट्रीब्यूशन ही कितना रख दिया गया, जीरो, मतलब x3 को तो अपने सॉल्यूशन सेट में शामिल ही नहीं होना। ये मतलब जो चीज ध्यान देना, जो चीज एलपीपी में भी पढ़ो, यहां मेन सिस्टम में नहीं होती है, क्या वो आपको सॉल्यूशन सेट का हिस्सा बनती है, जिसने इक्वेशंस को डिजाइन करने में अपना कंट्रीब्यूशन ही नहीं दिया, क्या वो मेरे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा आएगा? सॉल्यूशन सेट का हिस्सा कौन, जो मेरे सिस्टम में इक्वेशंस को बनाने में मदद करे, तो मैन्युअल पे शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा और अच्छी जगह पहुंचे, सिंप्लेक्स मेथड याद, सिंप्लेक्स मेथड ये मतलब आर्टिफिशियल वेरिएबल याद है, आर्टिफिशियल वेरिएबल मेरे दिए गए वो जो लीनियरिटी कांस्टेंट दिए जाते थे एलपीपी में, उसमें क्या आर्टिफिशियल शामिल होता था, वो अपने आप से लगाते थे इक्वालिटी, इक्वालिटी का साइन लेस देन स्लैक सरप्लस, उसको हम शामिल करते थे आर्टिफिशियल, हम अपनी मर्जी से लगाते थे, सॉल्यूशन सेट में कौन कौन नहीं आता था, आर्टिफिशियल नहीं आता था कभी भी, क्योंकि आर्टिफिशियल का मतलब ये धोखेबाजी वाला काम ना, फाइन के 50 कैरेट गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड फाइन के घूम रहे हैं, गटाई चेन खींची गई, आर्टिफिशियल कुछ निकला ही नहीं, वो मेरे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा, ऐसी जगह डकैती मारने कोई फायदा होगा जिसके गले में रोल्ड गोल्ड पड़ा हो, खुद ही सोचो, नॉर्मल एग्जांपल है, नहीं
गर्दन कटाने जाएंगे इसमें भी फायदा दिख रहा है क्या सर? इसमें कौन सा फायदा होगा जी? ना वही तो आप इतना सस्पेंस पूछ रहे हैं। नहीं हम ये हो सकता है कोई तुम लोगों में से कहे हाँ उधर भी फायदा है 10 रुपए भी देगा 10 तो मिलेगा। इसीलिए ना गांव के बुजुर्ग एक कहावत कहते चोरी करे पांदे घोड़ नाहीं रहे राम की ओर। ठीक थप्पड़ मार करके लिटा देंगे। तो कुल मिला करके ना मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है अगर तुमने यहाँ शुरू में ही ये भर दिया, ये गौर करो, शुरू में ये भर दिया तो इसका मतलब तुमने इक्वेशंस को बनाते वक्त x3 का कंट्रीब्यूशन लिया ही नहीं। जिस x3 का कंट्रीब्यूशन मेरे बनाते वक्त नहीं आया क्या वो मेरे लिए सॉल्यूशन सेट का हिस्सा आएगा? कभी नहीं आएगा। इसका मतलब एक बार तो इस दुनिया में हमको कहीं ना कहीं x3 को भरना पड़ेगा, कभी ना कभी भरना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर भर देते हैं 2x3। अब गौर करो क्या अब कभी भी x3 जब फ्री बन रहा होगा इसका कॉलम पूरी तरह कंप्लीटली जीरो होगा? कभी नहीं, क्योंकि वो फ्री बन रहा है। फ्री का मतलब आप उसकी कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। तो कहीं ना कहीं वो अपना प्रेजेंटेशन तो दे कि हाँ हम भी मौजूद हैं x3 के रूप में। अब आई बात समझ में? तो इसीलिए शुरुआत में भी कोई इक्वेशन ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ किसी वेरिएबल का कॉलम कंप्लीटली जीरो आ जाए, कभी नहीं मिलेगी। कम से कम एक इक्वेशन ऐसा जरूर होगा जिसमें वो नॉन जीरो के केस में बैठा होगा, नॉन जीरो कोफिशिएंट के साथ बैठा होगा। कोफिशिएंट जो आगे लगते हैं, अच्छा ये बताओ इस बात को क्या समझते हो? जैसे कोई इक्वेशन लिखा गया 2x1 + 3x2 + 5x3 = 8, ये इक्वेशन लिखा गया। इस इक्वेशन में आगे लगे हुए कोफिशिएंट से क्या समझते हो? वेट्स भी दूसरा नाम कोफिशिएंट होता है, इसका समझते क्या हो? एक इक्वेशन लिखी गई ऐसे, इसमें आगे लिखे हुए कोफिशिएंट से तुम क्या समझते हो? x1 x2 x3 ऐसे सूत्र चलाना है जिससे इसके सब ऑपरेट करने के लिए बन जाए। इक्वेशन सेटिस्फेक्शन वाली बात है। फिजिकल इंटरप्रिटेशन मांग रहे हैं बच्चा, फिजिकल इंटरप्रिटेशन, फिजिकल बिहेवियर कहो, वो जो हमारे आम बोलचाल की भाषा में शामिल है। ऑपरेशन रिसर्च में ये वर्डिंग बहुत अच्छे से मिलेगी। सॉल्यूशन सेट कौन? सॉल्यूशन सेट का मतलब आप किस किस यूनिट को कितनी कितनी बार ले रहे हो, ये सॉल्यूशन सेट आपका आता है। फीजिबल बिहेवियर जिसको बोलते हैं, या फीजिबल पहला कौन होता था? पहला तो केवल सॉल्यूशन सेट होता था। सॉल्यूशन सेट की बिरादरी में से हम किसको निकालते थे? फीजिबल और नॉन फीजिबल सॉल्यूशन। अरे ऑपरेशन सच में कुछ याद है? सब भूल गए। इतनी देर बात किया है, याद है? फीजिबल सॉल्यूशन क्या होता था बोलो? फीजिबल
मतलब लीगल रीजन सर मतलब इसके अच्छा नॉन फीजिबल बोलो नॉन फीजिबल जैसे इक्वेशन दिए जाते थे सर ग्राफ प्लॉट करते थे तो जिससे जो रीजन आता था पर्टिकुलर किसी के बीच बाउंडेड हो रहा था पर्टिकुलर किसी के बीच में अरे मतलब कि जो वहाँ पे लाइंस कट करती थी मैंने पांच कांस्टेंट ले लिया पांच कांस्टेंट को हमने प्लॉट किया पांच कांस्टेंट को प्लॉट किए पांच कांस्टेंट को प्लॉट करने में तीन कांस्टेंट के अंदर में बंद करके एक रीजन आ गया तो ये फीजिबल रीजन हो सकता है फीजिबल सॉल्यूशन होता है बहुत सारे हम रीजन की बात कर रहे हैं रीजन की वो रीजन होता है हां वो जो तीन से बना है और तो पांच से बना हुआ क्या कहलाएगा फीजिबल रीजन अब दोनों फीजिबल रीजन होगा मतलब पर्टिकुलर कौन उसके लिए होगा ना किसके लिए होगा कांस्टेंट के लिए होगा नहीं दोनों फीजिबल रीजन होगा राम 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 अभी जब जुम्मा जुम्मा दो साल बीता होगा जुम्मा जुम्मा दो साल बीता होगा बस हाँ और उसके बाद फिर तुम लोग मतलब बोले पड़े सब अरे ये इक्वेशन की समझ रखनी हो ना तो ओआर का फिजिकल बिहेवियर भी थोड़ा सीख लो तब इक्वेशंस की असलियत समझ में आएगी अभी तुम मान के चलो शॉर्ट आंसर ये है कि अगर तुमने इस पूरे कोफिशियंट को पूरा कोफिशिएंट जीरो सजा दिया ना तो इसका मतलब एक्स का अपने इक्वेशन को बनाने में इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है अब आई बात समझ में तो फ्री का बनना और पूरे कॉलम का जीरो होना ये दो अलग अलग बातें हैं ये दोनों अलग बात है इकलान फॉर्म में ले जाते वक्त ऐसा पॉसिबल है कि जब आप किसी मैट्रिक्स को इकलान फॉर्म में लेकर के जा रहे हो ठीक तो उस दौरान इकलान फॉर्म में जाने के दौरान कॉलम्स खुद ब खुद अपने आप जीरो बनना शुरू हो जाए खुद ब खुद अपने आप जीरो बनना शुरू हो जाए जैसे ये देखना कोई तो मैट्रिक्स है कैपिटल ए कोई मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के ऊपर चर्चा करो तीन गुणे तीन की मैट्रिक्स है आपकी गौर करो कन्फर्म है तीन गुणे तीन की मैट्रिक्स है तो तीन वेरिएबल तो लिए गए रहे होंगे तीन वेरिएबल पहला कॉलम किसकी वजह से बनता है एक्स वन दूसरा किसकी वजह से एक्स टू तीसरा किसकी वजह से एक्स थ्री लेकिन उसमें एक्स टू और एक्स थ्री को क्या मान लिया गया फ्री मान लिया गया अब और सटीक पे आ गए इसका मतलब जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाया गया रहा होगा उसमें x2 और x3 को फ्री मान करके चला गया होगा कि मेरी मर्जी हम इसका कुछ भी ले सकते हैं आप सोचो वो अपने सॉल्यूशन सेट को कितने बुरे तरीके से प्रभावित करेगा जरा इससे सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखोगे तो कितना मिलेगा बोलो भैया x1 plus 0x2 plus 0x3 is equal to कितना 0 अगला बोलो 0x1 plus 0x2 प्लस जीरो एक्स थ्री इज इक्वल टू कितना इनका कंट्रीब्यूशन देख रहे हो कितना आ रहा है जीरो आ रहा है लेकिन अब ये सॉल्यूशन सेट का हिस्सा बन गया जीरो एक्स वन प्लस जीरो एक्स टू प्लस जीरो एक्स थ्री इज इक्वल टू कितना सिस्टम सज गया कि नहीं ये सिस्टम ऐसा सजा कि एक्स वन क्या बन गया बेसिक और एक्स टू और एक्स थ्री कैसा बन गया फ्री बन गया मिला कि नहीं मिला मतलब हम अपनी बात को फिर पलट रहे हैं अपनी बात को फिर अब तक हम कह रहे थे कि इसका मतलब x3 का कंट्रीब्यूशन पूरा कितना है जीरो इसका मतलब x3 मेरे सॉल्यूशन सेट के हिस्से में नहीं जा रहा लेकिन अगर हमको बोल्डली कह दिया कि आपके पास तीन वेरिएबल हैं और तीन ही इक्वेशन हैं जिसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये निकल करके आती है तो इसका मतलब अब आपको x2 और x3 को क्या कंसिडर करना पड़ेगा फ्री कंसिडर करना पड़ेगा अब दोनों फ्री करना है मजबूरी क्योंकि आपको सामने थोप रहा है आपके ऊपर आप जबरदस्ती इस हिसाब से ना अगर बिना इंफॉर्मेशन के कोई बात हम लोग बनाना चाहें तो इस हिसाब से हम लोग वेरिएबल की संख्या ही नहीं फिक्स करेंगे जैसे किसी ने ये इक्वेशन लिखा एक्स वन प्लस टू एक्स टू प्लस फोर एक्स थ्री इज इक्वल टू जीरो किसी ने अगला इसे लिख दिया टू एक्स टू प्लस फोर एक्स थ्री इज इक्वल टू जीरो ऐसा लिखा अब तुम कहोगे ठीक वेरिएबल की संख्या तीन दी हमको ज़्यादा चाहिए हमको ज़्यादा चाहिए तो तुम क्या करोगे आगे जो नहीं है उसका कोफिशिएंट जीरो कर देना जीरो एक्स फोर प्लस जीरो एक्स फाइव प्लस जीरो एक्स सिक्स प्लस वन कहाँ रुकोगे इसका मतलब तुम गलती करना शुरू कर चुके हो तो जब तक तुमको ना कहे ना कि आप इतना वेरिएबल कंसीडर करके चलिए अब जैसे इसमें एक्स फोर नहीं दिखाई दे रहा और सामने वाला लिख दे कंसीडर एक्स फोर एज द फोर्थ वेरिएबल तब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कंसीडर एक्स फोर एज द थ्री वेरिएबल या एज द फोर्थ वेरिएबल मतलब
मतलब आगे तुम ये बताओगे ये इस तरीके से इसको ऑटोमेटिक रिमूव कर देंगे अगर इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसका अगर जैसे किसी का यूनिट इन्वॉल्वमेंट नहीं क्वेश्चन है उसको ऑटोमेटिक डिलीट कर सकते हैं इन्वॉल्वमेंट नहीं है लेकिन फिर भी इक्वेशन में लिखा नहीं दिखा रहा हाँ। लेकिन फिर भी नीचे लिख दिया जबरदस्ती उलझाने के लिए नीचे लिख दिया तो इसका मतलब उस लिखे गए इक्वेशंस में उसका कंट्रीब्यूशन कितना भरा गया होगा जीरो टाइम्स भरा गया और नहीं लिखा है तो मान के चलो जितनी इंफॉर्मेशन दिया ना बस इतने से ही अपना काम होना इतने से ही अपना काम होना जैसे ये सामने किस्सा लगा इसमें जो हम लोग स्लैश सरफेस वैल्यू ऐड कर देते आर्टिफिशियल वो तो रिमूव हो जाते थे वो निकल जाते और ये भी होता था कहते थे आर्टिफिशियल अगर एक बार आपके अगर एक बार टेबल को छोड़ करके जा रहा है सॉल्यूशन सेट को छोड़ के तो दोबारा री एंटर वो नहीं करेगा हां ये बात वहां पर बोल्डली लिखी जाती थी ये बात समझ में आई जब तक कहा नहीं गया है तब तक आप अपनी मर्जी से कोई वेरिएबल एंटर नहीं करा सकते और अगर नीचे यहीं पर लिख दिया टेक एक्स फोर एज द फ्री वेरिएबल तो भैया वो फ्री है वो फ्री है तो इसका मतलब उसको बाद में किसी और तरीके से डील किया जाएगा उसकी शर्तें दी जाएंगी नहीं दी जाएंगी तब पर भी उसके बारे में सोचो जैसे अभी इसके बारे में इसका अगर सोल्यूशन सेट निकाला जाए तो देखो इसका सोल्यूशन सेट कैसा आएगा मजेदार चीज है बोलो पहले से एक्स वन बराबर कितना मिला एक्स वन बराबर जीरो एक्स टू और एक्स थ्री कहीं पा रहे हो कहीं नहीं तो उसको सीधे लिखेंगे एक्स टू एंड एक्स थ्री आर फ्री ये लिखे अब देखना सोल्यूशन सेट क्या मिलेगा एक्स बराबर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ये सोल्यूशन था दिस इज इक्वल टू एक्स वन कितना जीरो तो इसको तो तुरंत भर दो कितना जीरो एक्स टू कैसा फ्री एक्स टू कैसा फ्री कल से जीरो इतनी देर में तुम लोग कहाँ कंफ्यूज हो क्या लिखो जीरो वन जीरो अगला क्या टूटेगा एक्स थ्री ये कितना जीरो हाँ भाई बात यहाँ ये दोनों कैसे एज अ फ्री कंसीडर हुए क्योंकि इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन इधर दिखाई नहीं दे रहा था उनके पास पाइवट नहीं था तो ये हाल निकल गया अब सॉल्यूशन से बनाया जाए किसका ये एपीसीडी का अरे रुको तो अभी अभी और दिमाग चलाओ ना अभी ये सोचो ना अभी ये सोचो चलो एक सॉल्यूशन बनाते हैं और देखो क्या इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा अरे कैसे नहीं करेगा जी x2 बराबर 5 भरो x2 x3 चाहे जो मान ले सब करेगा कुछ मान लो सब करेगा अभी तो इंफिनिटी तुम सुनो इसको 5 मानो x2 को 5 मानो 050 और x3 को कितना मानो 3 मानो ये बताओ 053 आया कि नहीं आया इसका मतलब x1 बराबर कितना 0 x2 बराबर कितना 5 और x3 बराबर कितना 3 यही तो सलूशन आया अपनी मर्जी से माने रखो इस सिस्टम में सेटिस्फाई करेंगे जब आपने कोफिशिएंट ही आगे 0 0 बिठा दिए हैं तो कुछ और बनेगा ही नहीं अब आई बात समझ में तो जब तक कहा ना जाए तब तक आप खुद से कुछ ना करो और अगर उसने कह दिया कि पर्टिकुलर इस वेरिएबल का हर इक्वेशन में लगा हुआ कोफिशिएंट 0 है तो वो वेरिएबल बोल रहा है अगर वेरिएबल बोला जा रहा है तो आपको उस वेरिएबल को एज अ फ्री वेरिएबल कंसीडर करना पड़ेगा अब उसको छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते आई बात समझ में ये इसकी गीता दोहन है चले आगे यहां से डायरेक्टली उधर से तोड़े ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन है नहीं क्योंकि बस एक ही बात दिमाग में हम लोग बैठाते हैं आपने वेरिएबल दिया है बस ठीक मेरा काम उतना है कि मुझको वो वेरिएबल कंसीडर करना है आपने नहीं किया तो हम कुछ नहीं कंसीडर करने वाले वो तो सब कुछ दिए गए डेटा पर ही डिपेंड करता है तो इसका मतलब ये पॉसिबल है कि किसी लिखे गए इक्वेशन में किसी वेरिएबल के सारे कोफिशिएंट जीरो कंसीडर किए जा सकते हैं अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो कितने पे थे हम भटक गए ज्यादा देर तक भटक गए कितने पे थे 22वां हो गया था 23वें पे आओ 23वां देखते हैं 22 खत्म था ना
22 खत्म, 23 में क्या वार में कैटेगरी होती है सॉल्यूशंस की, उसी सॉल्यूशंस में से अपने मतलब वाला सॉल्यूशन सबसे लास्ट में डिफाइंड होता है, नाम हम नहीं ले रहे फिर भी हम बोल रहे हैं, उसी में डीजेनरेट आता था। तुम डीजेनरेसी कहाँ चले गए? डीजेनरेट सॉल्यूशन की बात कर, डीजेनरेट सॉल्यूशन की बात कर, बोलो डीजेनरेट सॉल्यूशन क्या होता है, बोलो 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 बोलो। सुनो वो हर पढ़ते वक्त ना जो यहाँ पे कह देते ना फुटबॉल की तबिया खरीद लो वो वाली, बस वही न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल अप्रोच खरीद लो, किस वेरिएबल के बारे में क्या होता है पता कहाँ चला, पढ़े हुए तो बेसिक और नॉन बेसिक सॉल्यूशन में कैसे अटक गए, फीजिबल नॉन फीजिबल अलग कैसे भूल गए, सबसे ज्यादा पढ़ लो ना एक को नहीं भूलोगे, ढंग से पढ़ लो एक को नहीं, और ये भी क्या सबसे ज्यादा वार पढ़े हैं पूरा साल हुआ है होमोजीनियस सिस्टम पूरी किताब सॉल्व की वार की वाली क्या गुप्ता गुप्ता आर के गुप्ता गुप्ता वाली आर के गुप्ता ना ईमानदारी से बता रहे ना आर के गुप्ता की किताब बस पढ़ के न्यूमेरिकल सीख के निकल जाओ उतने हाल होती है, रद्दी नहीं बोल सकते किताब कोई रद्दी नहीं होती ना, रद्दी नहीं बोल सकते लेकिन है किस पर कांति स्वरूप न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए बहुत अच्छी किताब है, न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए बहुत अच्छी है कांति स्वरूप, लेकिन ये भी जानो सिर्फ न्यूमेरिकल अप्रोच में अगर तुम उसके बारे में कुछ नहीं जान पा रहे हो कि वार की जरूरतें क्या है, वार में लिखे गए हर एक वर्ड का मतलब क्या होता है, मीनिंग बेकार है, कोई पाल करके एक बार नहीं होता है ना, ये अब होमोजीनियस सिस्टम क्वेश्चन का होमोजीनियस सिस्टम ऑफ 12 लीनियर इक्वेशन है, इक्वेशन इन 8 अननोन, इन 8 अननोन्स, इन 8 अननोन्स हैज टू फिक्स्ड सॉल्यूशन, हैज टू फिक्स्ड सॉल्यूशंस, कंडीशन ऑफ रिडंडेंसी पता है क्या, कंडीशन ऑफ रिडंडेंसी कितना फंसे तुम बुरे तरीके से वार में गए हो, हैज टू फिक्स्ड सॉल्यूशंस इसका क्या कहे, क्या कहे 21 चल रहा है, 21 चल रहा है, हमसे पूछो आप पढ़ाए कब, वो डजन मैटर है सर, क्या एक टीचिंग प्रोफेसर एक स्टूडेंट प्रोफेसर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, सुनो सुनो वो तब होता है ना जब आप एक लंबा वक्त बिता चुके होते हैं, कुछ भी हो हम कैसा बिताए हो आज को, आप इस क्लास में एक बार पढ़ाने जाते ना आप सारी बारीकियां सीख जाते हो, सामने वाला ना नहीं अरे तुम ये सबसे बड़े धोखे में हो, जब आप एक क्लास को पढ़ाने जाते हो तो आप सारी बारीकी नहीं सीख पाते हो, कुछ नहीं कुछ तो सिर्फ नॉलेज है सीखने, रुको तुम्हारा स्टेटमेंट सुधार रहे हैं, पहले सुधार देखो, जब आप एक क्लास को एक ही पेपर मिनिमम 4 साल पढ़ा चुके होते हो तब आप उसकी बारीकियों से धीमे धीमे परिचय कर रहे होते हो, ये 4 साल का मिनिमम आपको ये होना चाहिए, यहाँ कोर्ट भी कहती है अगर आप कॉपी जांचने जा रहे हो तो जो रिट पढ़ती है 4 साल नहीं वो वहाँ पे ना रिट में लिखा जाता है कि मेरी कॉपी उससे जजवाई जाए जिसको पर्टिकुलर उस पेपर को 5 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो, हम तो तब भी 4 बोले मिनिमम में, तब ये तुम नहीं कह सकते हो ठीक है मेरे टीचिंग करियर के 10 साल हो गए हैं तो 10 साल हुए टीचिंग करियर को वार के तुम्हें ये एक चीज आप मानते हैं एक स्टूडेंट टीचर में डिफरेंस होता नहीं कई, ये तो हम शुरू से मानते आए हैं कि जो गैप होता है ये गैप कभी पाटा नहीं जा सकता है, हैज टू फिक्स्ड सॉल्यूशंस ऑलरेडी 2 साल दैट आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ multiples of each other, not multiples of each other, and are other solutions, all other solutions, और बाकी के जितने भी solutions आ रहे हैं
एंड आर अदर सॉल्यूशंस आर लीनियर कॉम्बिनेशन कोई बेवकूफ ही होगा जो ये कहे कि हम एक किताब को चार साल पढ़ा चुके हैं, अब हमको उस किताब से कुछ भी पूछ लो समझ में आ रहा है। बात किताब वाली नहीं होती, बात ये होती है उस टॉपिक पे आपसे कितना पूछ लिया जा सकता है। टॉपिक तो पूरा फैला हुआ है, यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो सीनियर सीनियर लेक्चरर है ना वो भी इतना दावा नहीं ठोकते हैं जितना नौसिखिए लोग ठोक देते हैं। ये बड़ी बेकार भावित होती है। नौसिखिए बड़ा महंगा दावा ठोकते हैं। नौसिखिए कहते हैं उनको कुछ नहीं होता, हमसे पूछो हम बताएंगे ऐसा 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 पेशन पर रख के रखते हैं। हाँ बस वही एक किताब का रट्टा हमारे पढ़े हुए वो चल जाता है उतने से। वो कैटेगरी बड़ी बदतर होती है। आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू सॉल्यूशंस करें होमोजीनियस सिस्टम ऑफ 12 लीनियर इक्वेशन 12 इक्वेशन। अच्छा जैसे 12 इक्वेशन बोला करें ना रो दिमाग में रखा करो 12 रो आ रही है टोटल एंड 8 अननोन्स। 8 अननोन का मतलब 8 कॉलम आ रहे हैं। हैज टू फिक्स्ड सॉल्यूशन। ये होमोजीनियस सिस्टम दो फिक्स्ड सॉल्यूशन रखता है दैट आर नॉट मल्टीपल ऑफ ईच अदर और दोनों ही एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है। तो दिमाग में तुरंत ये भी एक कॉर्नर पे रख लो, इसका मतलब नल स्पेस के पास दो एलआई वेक्टर मौजूद होते हैं। ठीक अब आगे कह रहे हैं एंड ऑल अदर सॉल्यूशन और जितने बाकी सॉल्यूशन आते हैं यानी नल स्पेस ऑफ ए के बाकी जितने मेंबर आते हैं वो सब के सब आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू सॉल्यूशन। वो इन्हीं दोनों सॉल्यूशन से मिल करके बने हुए हैं। ठीक कैन द सेट ऑफ अब सवाल आ रहा है कैन द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस Can the set of all solutions be described? कह रहे हैं कि क्या जो आपका पूरा का पूरा solution set है can the set of all solutions be described? उसको बताया जा सकता है, वर्णन किया जा सकता है with fewer than 12 homogeneous, with fewer than with fewer than 12 homogeneous ही है, with 12 homogeneous linear equations, homogeneous linear equations, with 12 linear homogeneous equations question mark If so, how many? आगे लिखो। If so, how many? How many? ठीक discuss। अगले numerical लिखो। फिर समझाते हैं। Numerical करना क्या चाह रहा है? अपने को करना क्या है? जब कहा जाए ना कि दोनों ही वेक्टर एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है तो इसका मतलब कहा जा रहा है कि दोनों सॉल्यूशंस नॉन जीरो, क्योंकि अगर एक भी सॉल्यूशन इसमें से जीरो हो गया ना तो दूसरे वाले का मल्टीपल बन जाएगा। ये बात क्लियर है? ये वर्डिंग हटा दी जाए, बोथ सॉल्यूशंस आर नॉट मल्टीपल ऑफ ईच अदर जो लिखा है इस वर्डिंग को हटा दो, तो इसका मतलब दो में से एक सॉल्यूशन दूसरे का मल्टीपल बन सकता है, इसका मतलब कोई एक जीरो वेक्टर हो सकता है कि नहीं। कैन द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस बाकी के जितने हैं वो सब इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से बने हैं। करें कैन द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस क्या जितने भी सॉल्यूशन सेट अब जो इसके बन रहे हैं होमोजीनियस है ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन सेट डिस्क्राइब वर्णन किया जा सकता है
या बनाया जा सकता है, लिखा जा सकता है विद फ्यूअर देन 12 होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, क्या 12 से कम समीकरण का इस्तेमाल करें, 12 से कम समीकरण का इस्तेमाल करें तब भी क्या हम इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन सेट को बता सकते हैं? हाँ बता सकते हैं। बाकी लोग सोचो, 12 से कम इक्वेशंस का इस्तेमाल करके भी क्या हम इस पूरे सॉल्यूशन सेट को बता सकते हैं? 12 से कम इक्वेशन पूरे सॉल्यूशन सेट को बता सकते हैं? यस सर। जस्टिफाई करो कैसे? हो जाएगा।
छः से कम पे, छः से कम पे डिस्क्राइब हो जाएगा, पाँच से कम पे भी हो जाएगा। ये जो ऊपर की थ्योरी हम कुछ नहीं जानते, हमको आता ही नहीं, हमको आता ही नहीं, तुम बताओ। उसका बड़ा सीधा सवाल है, बड़ा सीधा सवाल है, वो एक लाइन में बात खत्म कर दिया उसने। वो सिर्फ ये तो हम गीता को हम इतने लिखे हैं, उसके तो सीधे सवाल है भैया हम तुमको ऐसे ऐसे करके कुल 12 इक्वेशन लिख दिए हैं, कुल 12 इक्वेशन लिख दिए हैं, और हम तुमको वेरिएबल की संख्या बता रहे हैं, कुल 8 वेरिएबल आपको हम दे रहे हैं। मतलब हमने 12×8 की मैट्रिक्स दे दी, 12 इक्वेशन 8 वेरिएबल। तो कह रहे हैं कि क्या अगर हम आपको 12 से कम इक्वेशन दे रहे होते तब पर भी आप नल स्पेस ऑफ ए के बारे में हर बात कह पाते, 12 से कम तुम लोग कहे हाँ तब भी कह पाते। तो मेरा सवाल अगला हुआ कि 12 से कम कब तक बात कह पाओगे और कब उससे कम करोगे तो कोई बात नहीं कह सकते। दो तक मतलब दो इक्वेशन दिया जाए नल स्पेस के बारे में सारी चर्चा कर सकते हैं। बाकी लोग लारा का शतक तोड़ दिए हम लोग, 550 पार कर गए, उनका 400 था, तो अब तो तुम लोग जवाब दो भैया। तुम लोगों की पढ़ाई को हमको कोविशील्ड और इस बोलते 5 दोनों इकट्ठे लगवानी पड़ेगी, वरना तुम लोगों पढ़ाई को कोरोना हो जाएगा। और ये भी मेंटली प्रिपेयर हो, बता दे रहे हैं हम ये पूरा करवाएंगे, 7 चैप्टर जो 7वां चैप्टर है आखिर उसकी हम थ्योरी पूरी करवाएंगे, 7वें न्यूमेरिकल नहीं करवाएंगे, 7वें न्यूमेरिकल टेस्ट है, एक दिन में सारा टेस्ट, 7वें की जितनी एक्सरसाइज है उसकी सारी एक्सरसाइज तुम लोगों को लगानी पड़ेगी, वो टेस्ट है। तब हम ये देखेंगे कि लीनियर अलजेब्रा अब तक कितना सीख पाए, पार्ट सी का हला भला तो यहीं से होना है और कहीं से नहीं। पार्ट बी के लिए वो दूसरी वाली नोट्स जब चलेगी ना, दूसरी वाली नोट्स बहुत अच्छे, पार्ट बी भी चाहिए, पार्ट सी भी चाहिए, लेकिन पार्ट सी के जो बेहतर बेहतर क्वेश्चन होंगे ना, जो ऐसे थ्योरेटिकली वाले होंगे, कह सकते हो ये कहाँ पूछा जा सकता है। अभी हम इसको ऑप्शनल में बनाए, देखो इसको ऑप्शनल बनाना, हम इसके टोटल हम इसके 20 ऑप्शन बना सकते हैं, टोटल 20 ऑप्शन, और 20 में भी हर ऑप्शन एक से बढ़ के एक है। सर इसका जो क्वेश्चन का स्टार्टिंग क्या बोलते हैं पाइवट और उसका नॉन पाइवट क्वेश्चन है, उसका फाउंडेशन दो मिनिमम दो, मिनिमम दो, लास्ट पे फाउंडेशन नहीं रखा गया है कोई, आप कुछ भी लेके बनाना है। वो तो सीधे सीधे एक ही बात कह रहा है, उतने तक की ही बात हम कह सकते हैं, हम अपने मन से कोई बात कह नहीं सकते। उसकी बात है सिर्फ इतनी, 12 इक्वेशन 8 वेरिएबल, 12 इक्वेशन 8 वेरिएबल, इतने की बात उसने पहली बात कही। दूसरी बात वो सीधे कह रहा है, जो नल स्पेस आपका है, नल स्पेस यानी जो आपका सोल्यूशन सेट है, सोल्यूशन सेट के अंदर में दो ही वेक्टर हैं जो एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है और बाकी सब के सब इन्हीं दो से बनाए जाते हैं, मतलब नल स्पेस का बेसिस दो एलिमेंट रखता है, नल स्पेस का बेसिस दो एलिमेंट रखता है, इतनी ही बात उसने कही। अब वो सवाल डाल दिया, उसने सवाल कहा जब नल स्पेस ऑफ ए की डायमेंशन हम आपको दो दे दे रहे हैं तो आप क्या कम इक्वेशन से भी नल स्पेस के बारे में बात नहीं कर सकते हो, कम इक्वेशंस के बावजूद 12 इक्वेशन में से अब कुछ उसने अपनी उधारी मांग ली कि भैया 12 में से हमको कुछ इक्वेशन लौटा दो, और मेरा सवाल ये कितने लौटा सकते हो, कितने लौटा सकते हो, क्या 4 लौटाने के बाद 12 में से 4 इक्वेशन तुमने डिलीट कर दिए, बचे कितने, 8। अभी तुम संतुष्ट हो कि अरे 8 इक्वेशन हम नल स्पेस के बारे में सब कुछ कह सकते हैं, उसने एक और मांग लिया भैया एक और दे दो, एक और उठा के उसको दे दिया, आप कितने बचे, 7। क्या निश्चिंत हो कि 7 से भी नल स्पेस के बारे में हर बात कह सकते हैं, एक और मान लिया, 6। क्या निश्चिंत हो कि 6 से भी कह सकते हैं, एक और मान लिया, क्या दर्द उठा कि 5 से नहीं कह सकते, 6 तो चाहिए चाहिए, या और भी उसको दे सकते हो, कैसे एक्सप्लेन करो हम लोग गए, इसलिए नहीं छः तक होगा इसलिए क्योंकि इसमें जो अंदरून की संख्या है 8 है। हाँ और उसके बाद हमें तो एलआई चाहिए, हाँ तो अगर हम लोग 6 से 6 तक लेंगे, 6 तो 8 तो इधर भी जाएंगे, हाँ तो ये 8 तक तो हो जाएगा। अगर बोले थोड़ा फंस गए ना, सोचे अरे सुनो
बारह बड़े आठ की मैट्रिक्स है, दिमाग तो इस पे खेलो ना, बारह बड़े आठ की मैट्रिक्स है, ठीक है। और बारह बड़े आठ में तुमको इधर तो देखना नहीं ना, पहले तुम इसको देखो, ये देखो, ये कह रहे हैं कि इसमें से कितने पाई नॉन पाइवट, कितने नॉन पाइवट मतलब नल स्पेस ऑफ ए की डायमेंशन कितने निकले, दो। अब बचे पाइवट कितने, छः, छः पाइवट बचे हुए हैं। अब ये सोचो छः पाइवट बचे, जरा इक्वेशन की संख्या छः के नीचे लेकर के जाओ, चलो इक्वेशन को छः पर रोकते हैं, हमको इसने छः इक्वेशन दिया, तो मेरी मैट्रिक्स कितने की हो गई, छः गुड़े आठ की। वेरिएबल नहीं डिलीट होता कभी, अगर तुम इक्वेशंस को डिलीट कर रहे हो ना, वेरिएबल कब होने डिलीट होगा, वो आठ का आठ बचा रहेगा, क्योंकि हर इक्वेशन में आठ वेरिएबल की शामिलात है। इसका मतलब छः तक आए, कई पाइवट रख सकते हो छः, क्योंकि दो कैसे छोड़ देने हैं नॉन पाइवट, सोचो मिनिमा की तरफ पाइवट शिफ्ट हुआ, छः पाइवट ले लिया, दो छोड़ दिया, कितने नॉन पाइवट, नल स्पेस की डायमेंशन आज उसने बिना अनटच छोड़ी, बिना टच किए छोड़ी हुई है, अब की कम करो पाँच, क्या तकलीफ ही पाँच लेते ही पाँच पाइवट तो दे देगा, लेकिन नॉन पाइवट कितने कर देगा, तीन। अंदर स्पेस के बारे में कुछ भी कहने के लिए नॉन पाइवट कितने चाहिए, दो। कितने डिलीट कर सकते हो, अब आई बात सामने, इसीलिए हम इतना दिमाग में स्विच होते रहते हैं कि खुद से जवाब दो इसका, हम देंगे हम तो नहीं देंगे, मेरे लिए नहीं दिक्कत है, हम तो जवाब दे ही देंगे, दिक्कत तो तब ना जब मेरे लिखे हुए जवाब तुम रटना चालू कर दोगे, तब बवाल है, समझ पाए, अभी कहीं कंफ्यूजन हो तो बोलो। नहीं मुझे नहीं समझ में आया, वहां पे आठ क्यों तुम बोला, मैं ये सोच रहा हूं तुम आठ इसलिए बोले थे क्योंकि तुम सोचे थे मिनिमा तक, ये रैंक मिनिमा तक लटकती है, तो इसका मतलब आठ मिनिमम आ सकते हैं, तो तुम वही डिलीट कर रहे थे, तो तुम आठ इक्वेशन बचा रहे थे, तुम कहे जब तुम आठ बोले ना, मेरे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट आया वो यही आया तुम्हारे अकॉर्डिंग कि 12 और 8 में मिनिमम कौन, 8 पाइवट शिफ्ट होगा 8 तक, 8 के बाद पाइवट की कहानी पलट जाएगी, लेकिन यहां तो जवाब ही दूसरा था, यहां तो 8 में भी दो नॉन पाइवट हैं, हां नहीं अगर हम 8 का शिफ्ट करा लेंगे तो नॉन पाइवट मिलेगा ही, फिर वही फंसाएंगे हम, अच्छा सुनो, अब सुनो, अब मजे की बात सुनो, ये काम ना सिर्फ इक्वेशन को ही डिलीट करके हो सकता है, जरा वेरिएबल डिलीट करने की बात करो, वेरिएबल डिलीट करोगे ना डोमेन को डोमेन में नरक मच जाएगी, 12 में 8 में सोचो तुम वेरिएबल डिलीट किए, 8 वेरिएबल थे, एक भी वेरिएबल डिलीट करोगे तो तुम्हारे आने वाले वेक्टर किस दुनिया से आएंगे, R7 से आएंगे, और अभी किससे आ रहे, R8 से आ रहे, मतलब पूरा डोमेन तहस नहस हो जाएगा, इसीलिए उसने इधर का डिलीट करने का प्रोसेस नहीं पूछा, उसने क्या कहा इक्वेशन डिलीट करो, इक्वेशन पक्का इक्वेशन डिलीट कर सकते हो, 6 के 6 डिलीट कर दो, 6 इक्वेशन बचे रहेंगे, नौवे लोग सारा काम बोल सकते हैं, आई बातें समझ में, अच्छा मिलता है दिमाग चलाने के लिए, जो लोग घर पे बैठ के वीडियो देखेंगे वो त्रस्त हो जाएंगे इस वीडियो पे, सवाल का जवाब कहाँ है, वो ये बच के जवाब कहाँ है, कितना आगे भगाया जाए इसको, अपने लोग अपने अपने पढ़ रहे हैं, अपने अपने समझ में आ रहा है, बस ठीक है, नहीं देखा तो लोग उसमें चले आएंगे ना, वो कमेंट सेक्शन में ना बड़े महान महान दुर्योधन आते हैं, वहाँ बहुत महान आत्मा होते हैं, वो बताएंगे अरे यार इतना आसान तो सबको आता है, क्यों इतना झिलवा रहे हो, वो यही बताएंगे कमेंट सेक्शन में, तो उनको कहना पड़ेगा आओ क्लास में बताते हैं, हाँ मतलब यही एक मतलब कुछ भी कलाकार वाले ठीक है, मैंने एक वीडियो डालनी थी ठीक, हमको याद है उनकी वीडियो में वो कुछ रूट रूट निकालना बता रहे थे, किसी चीज़ का रूट निकालना, तो उसके कमेंट सेक्शन में एक लोग दो में पड़े थे, इतना धीमे धीमे बताना हो तो वीडियो ना बनाया कीजिए, इतना तो सबको आता है, वो कह रहे इतना हाँ कोई था एक, हम नाम भूल रहे थे अभी, था एक चलाती थी, तो उस पर कमेंट सेक्शन में लिख रहे इतना तो सबको आता है, इतना धीमे धीमे बताना ना बताइए, आगे बताइए जल्दी जल्दी, टाइम ना खाइए, चैनल मेरा, डेटा मेरा, टाइम मेरा, तुम होते कौन हो गए, तुम होते कौन हो, तुम अपना टाइम काहे फूंक रहे हो, जा करके देखो ना गाने सुनने के लिए टाइम होगा, नहीं जा के देखो करियर पूरा हुए, सॉल्यूशन नहीं ना, गजब बोलता बंदा, गजब से तरफ तरफ कौन गजब में बोले, बहुत स्पीड बोलते हैं, हाँ स्लाइड या खचर खचर बताते रहते हैं,
चैनल हम भी उनका सब्सक्राइब किए हुए हैं लेकिन बस वही ना देखने का टाइम नहीं था क्योंकि चैनल देखने का जो जो चर्चा किए हैं वही उठा लें डायमेंशनल स्पेस की बताए हुए हैं ठीक न्यूमेरिकल की लैंग्वेज उठाएं या सीधे लिखी इतने तो समझदार रही है कि नल स्पेस की डायमेंशन ही बता रहा है लिखना वेयर कैपिटल ए इज ऑफ 12x8 जहाँ कैपिटल ए 12x8 की मैट्रिक्स है ठीक आल्सो गिवन सॉल्यूशन सेट इज स्पैन बाय टू एल आई वेक्टर्स सीधे लिख रहे हैं उस बात को टू एल आई वेक्टर्स भले ही वो लैंग्वेज ना इस्तेमाल किया लेकिन हम कर सकते हैं बहुत इतना हम लोग जान रहे हैं कि कंफर्म है आप जिस सॉल्यूशन सेट की बात कर रहे हो वो सॉल्यूशन सेट होमोजीनियस का है और होमोजीनियस का पूरा सॉल्यूशन सेट दो वेक्टर से एक्सप्लेन होता है और दोनों ही वेक्टर एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है मतलब दोनों कैसे हैं एल आई में तो लिख दिए स्पैन बाय द टू एल आई वेक्टर्स ठीक दिस इंप्लाइज दैट डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू 2 इसका मतलब वी हैव मिनिमम बोले कि मैक्सिमम बोले या एग्जैक्टली बोले मिनिमम वी हैव या आवर रिक्वायरमेंट इज एग्जैक्टली 2 नॉन पाइवोटेड कॉलम दिस इंप्लाइज दैट आवर रिक्वायरमेंट इज एग्जैक्टली 2 नॉन पाइवोट कॉलम लिखें दिस इंप्लाइज दैट आवर दिस इंप्लाइज दैट To discuss about null space of A. Solution set के discuss करने का मतलब है कि आपको null space of A के लिए discussion करना है. To discuss about null space of A, our requirement is two non-pivot column. इसलिए null space of A के बारे में discussion करने के लिए मेरी requirement कितने column की है? Two non-pivot column की requirement है. ठीक? This implies that we can delete 6 equation. हाँ या ना? We can delete 6 equation क्योंकि तब कितने बचेंगे 6 बचेंगे और कॉलम कितने 8 तो 6 में से 6 के 6 पाइवट दे दो तब भी दो नॉन पाइवट बचे कि नहीं मतलब मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है दिस इंप्लाइज दैट वी कैन डिलीट 6 equations in other word we need only 6 equations ये बात समझ आई 6 इक्वेशन तुमको चाहिए 6 ही पाइवट हो सकते हैं तो ऐसे केस में जब 6 के 6 पाइवट हो गए तो नॉन पाइवट की संख्या कितनी बनी रहेगी 2 यानी अपर भी आप इसकी चर्चा कर सकते हो फुल स्टॉप इन अदर वर्ड वी नीड ओनली 6 इक्वेशंस बस कोई कंफ्यूजन हो तो बोलना या दूसरी भाषा में कहें वी नीड ओनली 6 इंडिपेंडेंट रो वी नीड ओनली 6 इंडिपेंडेंट कॉलम जो
जो मन कहे सो पढ़ पढ़ाओ, कौन दिक्कत है। इनको भी बंद कर दो, आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं।